हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन मिडल्टन पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है आज का। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज नन एज द हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर, यानी किस रूप में, यानी प्रकृति के पुजारी के रूप में जाने जाते हैं कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ एडवोकेट्स, यानी वकालत करते हैं इन हिज प्रीफेस, किसमें, प्रीफेस में, द यूज ऑफ रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इंस्टीड ऑफ विविड सेंसेशन, यानी विभिन्न प्रकार के सेंसेशन को छोड़ करके वो रियल लैंग्वेज की बात करते हैं, प्रयोग करते हैं अपने प्रीफेस में। द प्रिल्यूड बिलोंग्स टू विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज मेट इन 1796, इंपॉर्टेंट है। ब्राउनिंग कॉल्ड वर्ड्सवर्थ इन हिज पोएम द लॉस्ट लीडर, ठीक है। सेली कॉल्ड वर्ड्सवर्थ ए मॉरल यूनुक, यूनुक का मतलब होता है हिजड़ा, कि मॉरल यूनिक बोला था सेली ने वर्ड्सवर्थ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे किट्स कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोस्टिकल सबलाइम, किट्स ने बोला था वर्ड्सवर्थ को। ड्यूटी इज कॉल्ड द स्टर्न डॉटर, डी क्विंसी कॉल्ड अ हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर, यानी किसने बोला था, तो डी क्विंसी ने बोला था। वर्ड्सवर्थ डिड नॉट एक्सेप्ट हिज थियरी, टीएस एलियट ने बोला था वर्ड्सवर्थ के बारे में। मिल्टन लिव्ड थ्रू द कैरोलाइन, द कॉमनवेल्थ एंड द रेस्टोरेशन पीरियड। कोमुसिस मास्क रिटन बाय जॉन मिल्टन, द पोस्ट मिल्टन होल्ड ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट, तो वो लैटिन सेक्रेटरी बने थे किस, कब, तो 1649 में कॉमनवेल्थ के समय। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, और वो समय था 1652 का, क्लियर है। हाउ मेनी टाइम्स डिड मैरी मिल्टन, तो मैरी हुआ था, यानी मिल्टन का जो शादी हुआ था वो 3 times हुआ था। पहला पॉवेल थी, दूसरा उड्डक और तीसरा मिनसूल। देयर आर 12 बुक्स इन पैराडाइज लास्ट, लेकिन अगर बात करते हैं 1667 में जब पब्लिश हुआ था तो मात्र 10 बुक्स हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाद में 1674 में पब्लिश हुआ तो 12 बुक्स हो गया। मिल्टन सबसे फेमस्ट इज अ पोएटिक प्ले। मिल्टन रोट एरियोपैजिटिका टू डिफेंड पीपुल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस, दोनों ध्यान रखिएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। द ओमेन सैम्पसन एगेनिस्ट लव्ड एंड हु बिट्रेड हिम, तो सैम्पसन एगेनिस्ट जो प्रेम करती थी वो डेलिला थी, और डेलिला जो है उसे बिट्रे भी की, धोखा दी। इन विच बुक्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एडम एंड ईव मीट फर्स्ट टाइम, इंपॉर्टेंट है, तो बुक फोर्थ है, यानी फोर्थ बुक में वे लोग मिलते हैं एक दूसरे से, एडम और ईव। फेम इज द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और यह बोला गया है लिसिडस में। लिसिडस इज अ पास्टोरल एलजी रिटन बाय मिल्टन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग, ठीक है, एडवर्ड किंग, हु सेड ऑफ मिल्टन दाय सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड डेवल्ट अपार्ट। वर्ड्सवर्थ ने बोला था, सॉरी हाँ, ये बोला गया था वर्ड्सवर्थ ने बोला था किसको, मिल्टन के बारे में। हु सेड ऑफ मिल्टन, मिल्टन थाउ शुडस्ट बी लिविंग एट द दिस आर, तो वर्ड्सवर्थ ने ही बोला था मिल्टन के बारे में। नेक्स्ट है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ बुक्स एज, तो जो कह रहा है कि जो डिवाइन कॉमेडी जितने भाग था, 12 बुक है डिवाइन कॉमेडी का, तो पैराडाइज लॉस्ट भी है 12 बुक, यही बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। हु इज द नेक्स्ट इन कमांड, तो सैटर्न का जो कमांड करता वो बिलजबब था, उसे नेक्स्ट। व्हाट इन मी इज डार्क इल्यूमिनेशन, व्हाट इज द लो रेज एंड सपोर्ट, ये बुक फर्स्ट का पैराडाइज लॉस्ट का स्टार्टिंग लाइन है बुक फर्स्ट का। विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विद द इन्वोकेशन टू लाइट, तो बुक थर्ड है। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ फ्री विल एंड डिवाइन जस्टिस, अच्छा प्रिंसिपल ऑफ फ्री विल एंड डिवाइन जस्टिस कब डिस्कस करता है, तो बुक थर्ड में ही करता है। हाउ मेनी इंग्लिश सोनेट्स इन ऑल वे रिटन बाई मिल्टन, तो देखिए उन्होंने कई सोनेट्स लिखे हैं, लेकिन उसमें से सबसे जो इंग्लिश सोनेट की बात करता हूँ, 18 सोनेट लिखे थे अंग्रेजी में, बाकी लैटिन ग्रीक इटीसी लिखे थे। मिल्टन्स कॉमिसिस या मास्क दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस का, ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अंतिम लाइन है, ध्यान रखिएगा। मिल्टन्स ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट इज ओड है, क्या है, ओड है।
मिल्टन हैज रिटेन अ पोयम इंटाइटल एलगलग्रो द मीनिंग ऑफ अ वेरी चीयरफुल मैन, या जॉयफुल मैन भी हो सकता है, कहीं हैप्पी मैन भी दिखाई दे सकता है। मिल्टन हैज रिटेन अनदर पोयम इन एल्पेंसोरेसो, तो इसका मतलब होता है ए वेरी मेलंकली मैन या सैड मैन होता है, ध्यान रखिएगा सैड मैन। मिल्टन्स बोरोड द थीम ऑफ कोमस, तो होमर्स का ओडिसी उसका जो है उसका थीम था, ध्यान रखिएगा। मिल्टन डिराइव द टाइटल फ्रॉम द एरोविस्टिका फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरोपेगस, द मीनिंग ऑफ एरोपेगस इज अ ग्रीक हिल वेयर ए ट्रिब्यूनल फॉर द लिबर्टी ऑफ स्पीच वाज हिल्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कहाँ से लिया गया। मिल्टन रूट अ लार्ज नंबर ऑफ पोलिटिकल पम्फलेट्स एंड ट्रिटीज, दे आर कॉल्ड ट्रैक्ट्स। पीरियड ऑफ नो एज द मेजर मिल्टन, तो 1625 से 1660 के बीच में एज ऑफ मिल्टन माना जाता है, ध्यान रखिएगा। मिल्टन्स पोएट्री इज मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर्स वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, मैकमिलन का स्टेटमेंट है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज एन ओड, हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लास्ट, तो पैराडाइज लास्ट का जो हीरो है वो सैटन है। एरियोपेजिटिका इज अ प्रोज वर्क, पैराडाइज रिगेंड वॉज द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। मिल्टन मैरिड फर्स्ट टू मैरी पावेल, सेकेंड वुड और थर्ड मिनसुल। विच कॉलेज मिल्टन अटेंडेड, तो क्राइस्ट कॉलेज। हाउ मेनी इंग्लिश सोनेट्स डिड मिल्टन राइट, तो अभी अभी मैंने बताया कि 18 सोनेट्स लिखे थे इंग्लिश में। रेसिडेंस बाई मिल्टन इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पेस्टोरल एलजी, आपको बता दें तो 1637 में लिखा गया था, पेस्टोरल एलजी है वो है लेसिडस। पैराडाइज लास्ट वॉज पब्लिश इन 1667, लेकिन जो सेकेंड आया था उसका भाग वो 1674 में आया था, जो 12 बुक बना था। हु सेड द स्टाइल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज लॉफ्टी एंड एग्जाल्टेड एंड शो द सेंटेंस ऑफ लैटिन राइटर, तो लिवोइस का ये स्टेटमेंट था। मिल्टन्स अर्ली पोएट्री इज लिरिकल, हु मेड द राइम वर्जन ऑफ पैराडाइज लास्ट राइम्ड, ये ध्यान रखिएगा किसने लिखा था राइम्ड वर्जन पैराडाइज लास्ट का, तो जॉन ड्राइडन थे। नेक्स्ट, मिल्टन वाज एन ऑफिशियल सर्वेंट एट द कोर्ट ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसेशनिस्ट, तो एक रेसलर होता है खिलाड़ी टाइप का। पैराडाइज रिगेन्ड बाय मिल्टन वाज पब्लिश 1671 होगा, 1671 में, ये गलत दिया है, 1671 होगा। हु वाज द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ द एज ऑफ मिल्टन, तो फ्रांसिस बेकन को बोला जाता है। पैराडाइज रिगेन्स कॉन्सिस्ट ऑफ 4 बुक्स, पैराडाइज लास्ट जो है वो 12 है, लेकिन जो पैराडाइज रिगेंड है वो 4 बुक्स है। हु रोट द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन, तो ए एन विल्सन जो है जॉन मिल्टन पर लिखे हुए हैं। मिल्टन एक्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट द सन ऑफ एलियल फ्लोन विद द इंसोलेंस एंड वाइन द कोर्ट ऑफ राइटर्स ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड, इसमें एक्यूज किया गया था। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कॉस्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज रिगेंट। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स, तो एमसीपी बोला जाता है फ्रेंड्स, एमसीपी मतलब होता है मेटाफिजिकल, कवर्लियर एंड प्यूरिटन। द नेम ऑफ द ग्रेट ईपिक अबाउट द बैटल बिटवीन गॉड एंड सैटन, तो पैराडाइज लास्ट की हम बात कर रहे हैं। मिल्टन रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इन द एज ऑफ 21, ये भी क्लियर है। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस एट द फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री, ये बुक फर्स्ट का लाइन है, फील करने के लिए दिया है। इन व्हाट बुक डज ईव फाइनली ईट द एप्पल दैट ब्रॉट डेथ इन टू द वर्ल्ड ऑल आवर वो, तो ये पैराडाइज लास्ट का जो बुक नंबर 9 है लाइन दिया है 782-784। एट द एंड ऑफ हिज लाइफ मिल्टन रोड द फॉलो अप पैराडाइज लॉस्ट अ ब्रीफ एपिक इन 4 बुक्स पैराडाइज रिगेंड, हाँ 4 बुक की बात करें तो पैराडाइज रिगेंड ही होगा। जॉन मिल्टन एपिक पैराडाइज लॉस्ट इज ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। टू दिस डे मिल्टन्स एरोपेजिटिका रिमेंस वन ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर मोर इम्प्रेशन डिफेंस ऑफ वाट, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है एरोपेजिटिका, जो 1644 में पब्लिश हुआ था। द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ जॉन मिल्टन्स पैराडाइज रिगेंड द टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट की बात कर रहा है, द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट भी आ सकता है, जीसस भी आ सकता है, तो पैराडाइज रिगेंड का ये सब्जेक्ट कह सकते हैं, थीम कह सकते हैं। जॉन मिल्टन्स पोयम बिगिंस दिस इज द मंथ एंड दिस इज द हैप्पी मॉर्न, द ये है ऑन मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी से लिया गया है। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फेम, तो ये बोला है शेक्सपियर को मिल्टन ने। हु सेज विच वे आई फ्लाई इज सेल माई सेल्फ एम हेल, तो ये सैटर्न का स्टेटमेंट है पैराडाइज लास्ट का।
Listeners is dedicated to the memory of John Milton's friend Edward King. What happened to him? तो वो एक नदी में डूब गए थे, सॉरी समुद्र में डूब गए थे, डूबने से उनकी मौत हो गई थी एडवर्ड किंग का, उसी पर लिसनर्स लिखा गया है, जो पेस्टलर एलजी कहा जाता है। मिल्टन्स क्लोजेस्ट ड्रामा समसिंगनिस्ट इज बेस्ड ऑन स्टोरी बुक ऑफ बाइबिल, तो जज जो एक बुक बाइबिल का एक बुक है जिसका नाम जज है, वहाँ से लिया गया है, सोफोकल्स मार्टल पर भी है। बट व्हाट इज द स्ट्रेंथ समसन ऑस मिल्टन्स क्लोजेस्ट ड्रामा विदाउट अ डबल शेयर ऑफ, तो विजडम की बात कर रहा है। कंप्लीट दिस कोट, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हैवन, यह भी पैराडाइज लास्ट की लाइन है, ठीक है, ए सैटर्न की लाइन है। हु डिस्क्राइब मिल्टन्स एज एक्रीमोनियस एंड श्योरली रिपब्लिकन, तो सिम्बुल जॉनसन ने बोला है। हु कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉयस ऑफ इंग्लैंड, तो एल टेनिसन का स्टेटमेंट है। सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम अ ट्रम्पेट, तो वर्ड्सवर्थ ने बोला है इस लाइन को। और अगला है कि पैराडाइज लास्ट इज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट इपिक पोएम इन इंग्लिश, तो पैराडाइज लास्ट जो है एक ग्रेटेस्ट इपिक माना जाता है जो 1667 में पब्लिश हुआ था। और आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द फ्रेज पैथेटिक पॉलिसी इज रिक्वाइंड बाई जॉन रस्किन, ठीक है, जॉन रस्किन के द्वारा यह क्वाइन किया गया था पैथेटिक पॉलिसी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक, थैंक यू, बाय बाय।